मैडम जी नमस्ते, बहन कुंवारी है। प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, बार बार यहाँ पे आके बहन कुंवारी है मत बोला करो ना, मेरे अंदर का कुंवारा जाग जाता है। oh, yeah. और क्या हक है आपको किसी कुंवारे के जज्बातों से खेलने का? खेलो सुलाले, अपने अंदर के इस कुंवारे ने सुलाले, वरना इस जन्म में शादी तो क्या आधी भी ना हो पाएगी थारी। Well bro, what is the problem is the Delhi में एयरपोर्ट problem is the। अरे प्रॉब्लम ये है रही है मैडम कि आपने वो हमारे मोहल्ले में आके फाइटर और लाइटर को जो पीटा है ना, उसकी वजह से हमारा जीना और भी मुश्किल कर दिया है उन्होंने। यार तुम अजीब थैंकलेस टाइप की लेडीज हो। एक तो तुम्हारे यहाँ कंप्लेंट लिखाने की वजह से मैंने उन दोनों लड़कों की तुड़ाई करी, उनके कान पकड़वा के तुमसे माफी मंगवाई ना, उसके बावजूद तुम यहाँ आके ये सारी बातें पेल रही हो खड़ी खड़ी। हाँ मैडम जी, अरे क्योंकि आपने उनको सूता और उन दोनों की शिकायत मैंने आपसे की और इस बात की खबर जो है मुन्नी को हो गई। मुन्नी? वो मुन्नी जो बदनाम हो गई? हाय शाबाश। अरे नहीं नहीं, हम दूसरी मुन्नी की बात कर रहे हैं। वेल हु द शी इज द खाता हूं देसिंग ही इज द। मैडम मुन्नी उस्ताद वही आदमी हो रहा है जिसकी शह पाके ये लाइटर और फाइटर जो है गुंडागर्दी करते हैं। अब बताओ मैडम, मुन्नी बदमाश अपने इलाके में आ गया है, अब तो हमारा जीना और भी हराम कर देंगे वो, है कि नहीं? नाक में दम कर देंगे हमारी। खिचड़ी तो दही के साथ ही खाऊंगी। ओह माय गॉड्स, ये तो उसी मुन्नी उस्ताद की बात कर रही हैं जो बहुत खतरनाक है, जिससे मम्मी जी को खतरा है। अरे मैडम जी, मुन्नी ने हमको धमकी दी है और उसने हमसे कहा है कि ये मोहल्ला छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुमको बहुत पीटूंगा और जमीन पे घसीटूंगा। मैडम जी आप ही बताइए कि मैं अपना घर छोड़ के कहाँ पे जाऊँ? बहन कुंवारी है। देखिए अगर बहन भी आ रही है तो आप मेरे घर आ सकते हैं, तक तक तुम, तुम, तुम। फिर इस बहाने मैं आपकी बहन को भी देख लूंगा, हम दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे, उसके बाद हो सकता है आपको ये ना कहना पड़े कि बहन कुंवारी है। ए जी सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, अरे लड़का जो इतनी बात कह रहा है, ब्याह की बात कर रहा है, तो क्यों ना तुम अपनी बहन की शादी इससे करवा दो। दिखने में ठीक ठाक है और नौकरी भी पक्की है, बात तो करो। और मुझ में कोई ऐप भी नहीं है और मैं अब भूलता भी नहीं हूँ। मैं जालिम हसीना, मुश्किल कर दिया जीना, आज चौड़ा करके अपना सीना तेरे डैडी के सामने मैं ये इजहार करता हूँ कि हाँ 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 मैं तुझसे प्यार करता हूँ। डैडी जी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए और कन्यादान कीजिए, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अरे यार वो हनीमून पे भगा के ले जाएगा, फिर उठेगा तू कान। कुछ हुआ था क्या मैडम? हाँ हुआ तो था, तू अपनी भाभी स्वास का होने वाला हो गया था, प्रपोज कर दिया तेने। यार क्या यार, और इसने मुझे मेरी बीबी का डैडी बना दिया। अरे ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी बहन की शादी कभी नहीं करूंगा, भले हमारी बहन कुंवारी की कुंवारी रह जाए। अरे छोड़ो बहन बहन, मैडम अब ना हो रहा हमसे मुन्नी उस्ताद का जुम सहन, अब बताओ मैडम हम क्या करें? तुम लोग कुछ ना करोगे, करूंगी तो मैं सारी रंगबाजी और उस्तादी ऐसी निकालूंगी कि उसकी सात पुश्तें याद रखे। मुन्नी तैने तो ही मैं बदनाम करूंगी। मैं क्या करूं, कैसे मॉम को उस मुन्नी उस्ताद से बचाऊं? इन्हें तो पता भी नहीं है कि वो कितना बड़ा बदमाश है, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ अब एक ही आदमी है जो मॉम को रोक सकता है। ए
क्या कह रहे हो? जिंदगी मुहावरा है। या मैं कह रहा हूँ सच इसदा, मॉम उस मुन्नी उस्ताद से नहीं सकती बच इसदा। नहीं नहीं नहीं, चंद्रमुखी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब बताओ जिंदगी मुहावरा है। या मास्टर जी, मास्टर जी, मुन्नी उस्ताद बहुत खतरनाक है जी, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। प्लीज आप कैसे भी करके जी मम्मी जी को उसके साथ भिड़ने से रोकिए जी। अरे फाइटर। हाँ भाई लाइटर। अरे मैंने सुना है कि है ना चंद्रमुखी चौटाला वो मुन्नी उस्ताद से भिड़ने आ रही है। आई बात समझ में? भाई बिल्कुल आ गई, मैं बता रहा हूँ। वो जाएगी तो अपने पैरों पे और आएगी ना चार कंधों पे। भाई मुन्नी उस्ताद से आज तक जिसने भी पंगा लिया है ना वो दुनिया से विदा हो गया है। हाँ फाइटर, अरे मैं तेरे को आज फिर बोल रहा हूँ, एक बात याद रखियो, ये जो है ना इंस्पेक्टर, इसके दिमाग में ये सारी बातें जो है ना वो हवलदार है ना इज्जा इज्जा करता रहता है वो डालता है, उसको जरूर पीटना पड़े। एक बार दिख जाए बस कहीं पीटूंगा उसको। वो आई बात समझ में? चल अपन चले। चलो मास्टर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता जी, प्लीज आप मम्मी जी को कैसे भी करके बचा लीजिए और मुन्नी उस्ताद का सामना करने से रोकिए, प्लीज प्लीज मास्टर जी। मास्टर जी कहाँ जा रहे हो बेटा? जिंदगी मुहावरा है। अरे वो मास्टर जी एक गुंडा है तो उसे जा रहा, उसे पीटने जा रही हो, उसकी हड्डी पसली तोड़ने जा रही हो? अरे मास्टर जी वो उस गुंडे ने ना लोगों ने काफी परेशान कर रखा है तो जरा उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं बेटा, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता, क्या यही शिक्षा दी थी मैंने तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें हिंसा करते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब बताओ जिंदगी मुहावरा है। या अबे के या लगा रखी मास्टर जी के सामने, ना भूसा मार के दांत तोड़ के यहीं दिखा दूंगी मैं, बिछा दूंगी या। कितना क्रोध, कितनी हिंसा भरी पड़ी है तुम में कि तुम इस बेचारे के दांत तोड़ने पे उतारू हो गई हो। अरे मास्टर जी इसे छोड़िए, यो आपको बेरा ना है इसकी, रहन दीजिए। वो मैं क्या कह रही हूँ, ये कानून व्यवस्था कई बार सही से चलाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है मास्टर जी। देखे 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 देखे। अरे वाह बेटा, अरे बिना हिंसा किए बापू अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ सकते थे तो तुम बिना हिंसा के इन गुंडे बदमाशों को नहीं खदेड़ सकती? जहां चाह वहां राह, इसका मतलब बताओ जिंदगी मुहावरा है। मास्टर जी देखिए वो दौर और था, लातों के भूत बातों से ना मानते। समझ गया मैं, ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन बेटा आज मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं तुम्हें। तुम्हें याद है हरियाणा में तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मास्टर जी आपको गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं, याद है? हाँ याद है ना, और आपने कही थी कि वक्त आने पे मांग लूंगा। तो बस आज वो वक्त आ गया है कि आज तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दे पाओगी। अरे मास्टर जी आप बोलिए ना, आप जब जो कहेंगे जब जो मांगेंगे मैं दूंगी आपको। तो बेटा सोच लो तुम, जो मैं मांगूंगा क्या तुम वो दे पाओगी? जान भी मांगेंगे ना मास्टर जी तो दे दूंगी खुशी खुशी। अरे नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारी जान कैसे मांग सकता हूँ, बल्कि मेरा तो तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारी जिंदगी को कभी कोई आंच ना आए। मैं गुरु दक्षिणा के तौर पे तुमसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। भैंस के आगे बिन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, इसका मतलब बताओ
जिंदगी मुहावरा है। अरे मांगिए ना मास्टर जी, के वचन चाहिए आपको? मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम किसी पे भी हाथ नहीं उठाओगी। मास्टर जी, यो के वचन दो। चुप क्यों हो गई? तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम किसी पे भी हाथ नहीं उठाओगी। दे सकती हो? समझ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मास्टर जी रुकिए। अगर आपको गुरु दक्षिणा में यही वचन चाहिए कि मैं कभी किसी को मारू ना, किसी पे हाथ ना उठाऊं, तो ठीक है, ठीक है। मैं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला अपने गुरु को, अपने मास्टर जी को यह वचन देती है कि मैं आज के बाद कभी किसी पे अपना हाथ नहीं उठाऊंगी। जय हो माँ के बिहारी लाल की। क्या बात है मिस चौटाला, आप कुछ तनिक परेशान सी लग रही हैं? डिस्टर्ब? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ना। नहीं 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 नहीं, कुछ तो है, हम जानते हैं मिस चौटाला, कुछ तो है। देखिए मिस चौटाला, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको कि हम जब लड़की तारते हैं ना, तो हमारा मतलब जब देखते हैं तो देख के ही यूं तुरंत बता देते हैं कि उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन चल रहा है। अच्छा तो बताइए सर, मारे फेस पे क्या एक्सप्रेशन चल रहा है? थोड़ा देखिए मैं छोड़ा ला, आपके माथे की लकीरें साफ साफ कह रही हैं कि आपके अंदर एक तूफान चल रहा है, जिसे आप बाहर जो है वो निकाल नहीं पा रही है कि नहीं, है कि नहीं? अरे बोलिए ना मैं चौटाला, हम कौन सा पराए हैं, हम तो आपके अपने हैं, हमारा मतलब है अपने साथी हैं, सह कर्मचारी। बोलिए ना मैं चौटाला, क्या प्रॉब्लम क्या है? एक गुंडा है सर, मुन्नी उस्ताद, वो काफी लोगों को परेशान करता है, तंग करता है। एक कपल आया था यहाँ चौकी में गुहार लगाते हुए, उन्हें भी काफी परेशान करा है उसने। तो मैंने उन्हें वादा किया कि मुन्नी उस्ताद को पीट पीट के ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखे और किसी को परेशान ना करे। हाँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें तो आप उस्ताद हैं, वाह उस्ताद है। प्रॉब्लम यो है सर कि हमारे मास्टर जी, ओहो आपके मास्टर जी मुन्नी उस्ताद को सबक सिखाना चाहते हैं, ओके। अरे नहीं सर, सर हमारे मास्टर जी ने हमारे से वचन लिया है कि मैं किसी पर भी आज के बाद हाथ ना उठाऊं। क्या बात कर रही है, क्या बात कर रही है मिस चौटाला, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है आप और हाथ ना उठाएं? मतलब ये तो वही बात हो गई कि सूरज निकलेगा लेकिन रोशनी नहीं होगी, समोसे बनेंगे लेकिन आलू नहीं होंगे, गेंदा गदरीली नाचेगी लेकिन घुंघरू नहीं होंगे। मिस चौटाला घुंघरू रबिश, ऐसा नहीं हो सकता। ये मरी समझ में ना आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। मुन्नी उस्ताद जैसे गुंडे लोगों पर जुल्म करें मैं ये भी नहीं देख सकती, और मास्टर जी को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ सकती। मिस चौटाला आप चिंता ना करें, हम है ना, आपको क्या लगा था कि हम सिर्फ पान चबाते हैं, फिर अभी आप देखिए
कि कैसे चुटपुटियागंज जाकर उस मुन्नी उस्ताद को चबा जाएंगे, एकदम जैसे पान में सुपारी चबाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। Are you sure, sir? एकदम श्योर। आप बस हमारा ही इंतजार कीजिए। हम यूं चुटकी बजा के गए चुटपुटियागंज और यूं वापस आए, लेकिन खाली हाथ नहीं। मैं चौटाला उस मुन्नी उस्ताद को अपने साथ टांग कर लेके आएंगे। वादा रहा। मैं चौटाला, थोड़ा स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए। अरे मिस चौटाला, ये है सुपारी और ये है मुन्नी उस्ताद। आ गए। ओके, हेलो हेलो। ये लाइटर भाई, पुलिस आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, आने दे। अरे हम तो तैयार बैठे हैं। समझ में? आराम से गोपी, बैलेंस बनाओ, हटो यार। सर मैं फिर से कह रहा हूँ, मत जाइए मुनि उस्ताद से लड़ने। इसदा भरी जवान में मेरे बाल लगे हैं झड़ने। इसदा लेकिन तुम यार हमें डरा रहे हो कि समझा रहे हो? वेल सर, आपका अच्छा खासा त्रिमिंदर जैसा है चेहरा इसदा, ना आई है आपकी बारात, ना अभी सजा है सेहरा इसदा। अमा यार, तुम लखीमपुर वाली हमारी पम्मी बुआ हो क्या, या सहारनपुर वाले ललित मौसा हैं जो तुम्हें हमारी शादी की इतनी चिंता हो रही है? गोपी, अबे तुम देखना कैसे जो है हम वो मुन्नी उस्ताद को धो देंगे। रे फाइटर। हाँ भाई लाइटर। ये देख, ये हवलदार वही है ना, इज्जा इज्जा करता है जो आज इज्जा इज्जा करता दरोगा को यहाँ ले आया। पेटे का हाथ तो देख, इसकी खैर नहीं है। आई बात समझ में? अबे ए, लाइटर फाइटर, यो तुम्हारे मुन्नी उस्ताद की सारी रंगबाजी है ना, वो उतार देंगे ऐसे, समझे? कहाँ है बे वो, बुलाओ। हाँ है, आ जाएंगे वो आ जाएंगे, चिंता मत करो वो आ जाएंगे। तुम बस एक काम करो, जितनी रंगबाजी उतारनी उतार देना, लेकिन इससे पहले ये कुल्फी खा लो, कुल्फी खा लो, बहुत मजेदार है, खाओ। क्यों बे, हम क्यों खाएं कुल्फी? और तुम्हें क्या लगता है हम कुल्फी खाने आए हैं? अबे हम तुम्हारे मुन्नी उस्ताद की आइसक्रीम जमाने आए हैं, आइसक्रीम। अरे भाई साहब, पहले जो मैं कह रहा हूँ ना वो सुन लो, यहाँ के है ना कुछ नियम है, मैं बता रही हूँ। मुन्नी उस्ताद है ना, सिर्फ उसी से लड़ते हैं जो पहले कुल्फी खाता है। अब या तो कुल्फी खाओ या यहाँ से डर के मारे भाग जाओ। अबे डरेंगे तुम्हारे मुन्नी उस्ताद के मौसा, समझे? और कुल्फी में क्या है? अरे एक नहीं, इधर आओ, हम अभी खाए थे। और एक क्या बे, हम दो दो खाएंगे। तो ना? जी बिल्कुल। एक मुझे दे। चुप रहे। खाली कुल्फी, फर्स्ट क्लास। अब बुलाओ अपने मुन्नी उस्ताद को, यार टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस्ताद दो दो कुल्फी खाइए दो। पकड़ो बे। तुम हो मुन्नी उस्ताद, जलावा तंदूरी चिकन लग रहे हो बे। क्या है बे? हैं? बस बेटा। क्या खिला दिया भाई लाइटर? अब आएगा मजा, नशा है ना अपना काम कर रही है, बता रहा हूँ मैं। हमारा यार ये तो एक था मुन्नी उस्ताद, ये दस दस कैसे हो गए? अरे इधर आजा, साथ बैठ के देखते ना। अरे मैच साथ में देख के मजा आएगा।